एवरीवन, माई सेल्फ शिखा शर्मा, असिस्टेंट टीचर ऑफ आरवील पब्लिक स्कूल. स्टूडेंट, दिस वीडियो इज फॉर स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 9, एंड द चैप्टर नेम इज हाउसिंग एंड क्लोथिंग. नाउ आई एम गोइंग टू रीड. ए हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव. जो हाउस है वो जगह है जहाँ पर हम रहते हैं. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स. ये हमें धूप से, ठंड से, बारिश से और वाइल्ड एनिमल्स से और चोरों से हमारी रक्षा करता है. वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस अराउंड अस. हम अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स के हाउस देखते हैं. दे डिफर इन साइज, शेप, लोकेशन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल. ये जो हाउस हम अपने चारों ओर देखते हैं वो साइज में, शेप में, लोकेशन में और किस मटेरियल से बने हैं, उन सारी चीजों में वो अलग अलग होते हैं, टाइप्स ऑफ हाउसेस. अब आपको हाउसेस के टाइप्स बताएंगे. हाउसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. जो हाउस होते हैं उन्हें दो वर्गों में बांटा गया है, परमानेंट एंड टेम्पररी हाउस. एक होते हैं परमानेंट हाउस और एक होते हैं टेम्पररी हाउस. परमानेंट हाउस कौन से होते हैं? द हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन. वे हाउस, वे घर जो ब्रिक्स, ईंटों से, सीमेंट से, आयरन से, लोहे से बने होते हैं, आर नोन एज परमानेंट हाउस. उन्हें परमानेंट हाउस कहा जाता है. दे आर आल्सो नोन एज पक्का हाउस. उन्हें हम पक्का हाउस भी कहते हैं. दे कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर. उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है. दीज टाइप्स ऑफ हाउस आर मोस्टली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज. इस तरह के हाउस हमेशा हमें कस्बों में और शहरों में मिलते हैं. परमानेंट हाउस आर डिफरेंट टाइप्स, लाइक सिंगल स्टोरीड हाउसेज, बंगलो, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स. जो परमानेंट हाउस होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे सिंगल स्टोरी में जैसे एक मंजिल हो गया, बंगलो हो गया. बंगलो होता है वो भी हमारा परमानेंट हाउस होता है. मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स और जो बहुमंजिला इमारतें होती हैं वो भी हमारे परमानेंट हाउस होते हैं. नेक्स्ट, टेम्पररी हाउस. द हाउस मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक मड, बेम्बू, वुड, स्ट्रॉ, ग्रास, ETC आर कॉल्ड टेम्पररी हाउस. जो टेम्पररी हाउस होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, उनका क्या मटेरियल होता है? उनसे घास फूस, बांस और घास से जो बने होते हैं उन्हें हम टेम्पररी हाउस कहते हैं. दे आर आल्सो नोन एज कच्चा हाउस. उन्हें हम कच्चा हाउस भी कहते हैं. द कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स of these types of houses are cheap and easily available. जो कच्चा हाउस के जो बनाने का जो मटेरियल होता है बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है. टेम्पररी हाउसेज आर ऑफ डिफरेंट काइंड. जो टेम्पररी हाउस होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं. फर्स्ट होता है कारवा. ए कारवा इज ए हाउस ऑन व्हील्स. जो कारवा हाउस होता है वो व्हील से बना होता है, मतलब पहियों से बना होता है. इट कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर. इसे हम एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं. जिप्सीज एंड पीपल हु वर्क इन द सर्कस यूजली लिव इन दीज हाउसेज. जो सर्कस में काम करते हैं उन्हें हम जिप्सीज कहते हैं. जो सर्कस वाले जो वर्कर होते हैं, जो सर्कस में वर्क करते हैं, उन्हें हम कारवा हाउस में देखते हैं. वो अपना जो हाउस होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं. हाउस बोट. ए हाउस मेड ऑन अ बोट इज कॉल्ड हाउस बोट. ए हाउस मेड ऑन अ बोट. जो घर एक बोट पर बना होता है उसे हम हाउस बोट कहते हैं. इट इज मेड ऑफ वुड. यह लकड़ी से बना होता है. हाउस बोट्स आर कॉमनली फाउंड इन कश्मीर एंड केरला. जो हाउस बोट होते हैं वो सामान्यतः कश्मीर में और केरल में दिखाई देते हैं. टेंट हाउस होता है. ए टेंट हाउस इज मेड ऑफ कैनवस. जो टेंट हाउस होता है वो कैनवस से बना होता है. इट कैन बी फोल्डेड एंड टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर. इसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं और इसे एक जगह से दूसरी जगह पर भी ले जा सकते हैं. रिफ्यूजीज, नोमेड्स, ETC यूज दिस टाइप ऑफ हाउसेज फॉर कैंपिंग. जो रिफ्यूजीज होते हैं, यात्री लोग होते हैं, नोमेड्स होते हैं, वो इन हाउसेस को अपने कैंप के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट, स्पेशल हाउसेस कौन से होते हैं?
इग्लूज आर मेड ऑफ स्नो, जो इग्लूज हाउस होते हैं वो बर्फ से बने होते हैं। दे हैव डोम शेप्ड रूफ्स, ये गुम्बद के आकार के होते हैं। एस्किमोस लिव इन इग्लूज, जो इन घरों में रहते हैं इन्हें हम एस्किमोस कहते हैं। दीज आर फाउंड इन कोल्ड कंट्रीज, ये ठंडे शहरों में, ये ठंडे देशों में पाए जाते हैं। स्टिल्ट हाउसेज आर मेड ऑफ लॉन्ग पीसेस ऑफ वुड, जो स्टिल्ट हाउस होते हैं वो लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों से बने होते हैं। दे आर रेज्ड हाई अबव द ग्राउंड ऑन पोल्स ऑफ और पोस्ट, जो स्टिल्ट हाउस होते हैं वो जमीन से बहुत ऊपर के लिए बने होते हैं और ये पोल्स पर, ये खंभों पर टिके होते हैं। दीज हाउसेज आर बिल्ट वेयर फ्लड इज कॉमन, ये घर वहां पाए जाते हैं जहां पर बाढ़ आना सामान्य होता है। यू कैन सी हियर इग्लू हाउस, स्टिल्ट हाउस, ये पोल्स पे बने हुए हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड हाउस, जो गुड हाउस की जो विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अच्छे घर की, वो कौन सी होती हैं। ए गुड हाउस शुड बी क्लीन, सेफ, एयरी एंड कंफर्टेबल, जो एक अच्छा घर होता है वो क्लीन होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, हवादार होना चाहिए और आरामदायक होना चाहिए। शुड हैव सफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर, इसमें हवा की सप्लाई जरूरत के मुताबिक होनी चाहिए। इट शुड हैव अ गुड ड्रेनेज सिस्टम, इसमें ये हवादार होना चाहिए। इट डोर्स एंड विंडोज शुड हैव अ वायर मेश टू कीप मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आउट ऑफ द हाउस, इसकी विंडोज ऐसी होनी चाहिए, जालीदार होनी चाहिए। इसकी विंडोज, जो घर की विंडोज होती हैं, दरवाजे होते हैं, जालीदार होने चाहिए जिससे मॉस्किटो, जो मच्छर और जो मक्खियां होती हैं वो घर के बाहर ही रहे। देयर शुड बी प्रॉपर वेंटिलेशन इन इट टू लेट द स्मोक आउट ऑफ द किचन, घर में चिमनी का भी यूज होना चाहिए जिससे जो किचन का स्मोक होता है, धुआं होता है, वो घर के बाहर जा सके। इट्स फ्लोर ऑफ किचन एंड बाथरूम शुड बी स्लोपिंग, जो किचन का फर्श होता है, बाथरूम का फर्श होता है, वो स्लोपिंग होना चाहिए सो दैट वाटर कैन फ्लो आउट इजली, जिससे कि पानी का बहाव आराम से बह जाए। ए गुड हाउस शुड हैव सेपरेट रूम्स फॉर ईटिंग, स्लीपिंग, स्टडिंग, कुकिंग एंड टेकिंग बाथ, जो अच्छा घर होता है उसमें सारे रूम्स अलग अलग होने चाहिए, जैसे ये खाने का रूम अलग होना चाहिए, स्लीपिंग का, सोने का, पढ़ने का, कुकिंग का और टेकिंग बाथ और नहाने का जो रूम होता है, वो सब अच्छे घर में सारे रूम अलग अलग होने चाहिए। नेक्स्ट, क्लोथिंग, क्लोथ इज आवर बेसिक नीड, क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड क्लोथिंग इज आवर बेसिक नीड, क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट्स, जो क्लोथ्स होते हैं वो हमारी बेसिक नीड होते हैं, जो कपड़े होते हैं वो हमें गर्मी, सर्दी, जाड़े से और धूल से, बारिश से और कीड़ों के काटने से बचाते हैं। वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन, हम विभिन्न सीजन्स में विभिन्न प्रकार के जो है क्लोथ्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। इन विंटर्स वी वेयर वूलन क्लोथ्स, विंटर में हम वूलन के क्लोथ्स पहनते हैं। दे कीप आवर बॉडी वार्म, वो हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। डार्क कलर्ड क्लोथ्स मेड ऑफ वूल, सिल्क एंड फर आर वर्न इन विंटर्स, डार्क कलर्ड क्लोथ्स, जो गहरे कलर के कपड़े होते हैं मेड ऑफ वूल के बने होते हैं। सिल्क एंड फर आर वर्न इन विंटर्स, सिल्क और फर ये विंटर्स में ही मिलते हैं। इन समर्स वी वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, समर में हम हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं। दे कीप आवर बॉडी कूल एंड ऑब्जर्व आवर बॉडी, दे कीप आवर बॉडी कूल एंड ऑब्जर्व आवर बॉडी स्वेट, वो हमारे वे हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं और हमारे पसीने को सोखते हैं। खादी कैम्ब्रिक एंड पॉपलिन आर वेस्ट क्लोथ्स फॉर समर, जो खादी कैम्ब्रिक और पॉपलिन होते हैं ये समर के सीजन के लिए वेस्ट क्लोथ्स होते हैं। इन रेनी सीजन वी वेयर रेनकोट्स एंड गम्बूट्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, जो बारिश के मौसम में हम रेनकोट्स पहनते हैं एंड गम्बूट्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, खुद को सेफ करने के लिए रेनकोट्स पहनते हैं और गम्बूट्स पहनते हैं। वी
also use an umbrella to save us from getting wet. और हम खुद को भीगने से बचाने के लिए अम्ब्रेला का भी यूज करते हैं, छाते का यूज करते हैं. फाइबर्स, क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. मैनी फाइबर्स वेन ट्विस्टेड टूगेदर मेक यार्न. क्लोथ्स आर मेड ऑफ फाइबर. जो फाइबर्स होते हैं रेशे, वो कपड़े जो फाइबर से बने जो कपड़े होते हैं वो फाइबर से बने होते हैं. मैनी फाइबर्स वेन ट्विस्टेड टूगेदर मेक यार्न. कई सारे जो फाइबर होते हैं वो कई रेशम होते हैं वो इकट्ठे होकर एक धागा बनाते हैं. दीज यार्न आर यूज टू मेक फैब्रिक. और वे धागे मिलकर कपड़ा बनाते हैं. वन ऑफ मोर फैब्रिक्स आर देन स्टिच्ड टुगेदर टू मेक अ ड्रेस. और उन धागों को उन कपड़ों को जोड़कर सिलाई की जाती है जिससे एक ड्रेस बनकर तैयार होती है. फाइबर्स आर अप टू टाइप्स. फाइबर दो प्रकार के होते हैं. नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो नेचुरल फाइबर्स होती है वो हमें एनिमल्स से मिलती है और प्लांट्स पेड़ों से मिलती है. सम फाइबर्स दैट कम फ्रॉम प्लांट्स और जूट, कॉटन, फ्लैक्स, etc. फाइबर्स दैट कम, कुछ जो फाइबर्स होते हैं दैट कम जो आते हैं फ्रॉम प्लांट्स पेड़ों से आते हैं वो कौन कौन से होते हैं. जूट होते हैं, कॉटन होते हैं, फ्लैक्स होते हैं. वाइल द फाइबर्स दैट कम फ्रॉम एनिमल्स आर वूल, सिल्क. और जो कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं जैसे वूल हो गया, सिल्क हो गई. सेकेंड होता है मैन मेड फाइबर्स. दीज आर द फाइबर्स दैट आर मेड बाई मैन. वो फाइबर्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जो इंसानों के द्वारा बनाए गए होते हैं. दीज आर आल्सो नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स. उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. नायलॉन, टेरिलॉन, टेरिलेन एंड पॉलिएस्टर आर सिंथेटिक फाइबर्स. जो नायलॉन होते हैं, टेरिलिन होते हैं और पॉलिएस्टर होते हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं. यू कैन सी नायलॉन जो सॉक्स बनते हैं वो नायलॉन के होते हैं, टेरिलिन पॉलिएस्टर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.